फाइनली गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हमारा पोखरा का लास्ट दिन भाई, लिटरली इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आज आनंद जी का बर्थडे भी है, तो हम लोग केक ले आए थे रात ही और अपने हॉस्टल के फ्रिज में रख दिया था। ये लोग हमारा वेट कर रहे हैं, आई थिंक लास्ट 5 या 10 मिनट से मे भी। सो काफ़ी मतलब कल तक हाइकिंग का प्लान था, लेकिन अब तो हम जा रहे हैं पंडी कोट। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। वी हैव अ केक फॉर यू। अरे इसी में चल रहा था कि केक का है। यस सर। मतलब रात आपको बताया नहीं था, सरप्राइजिंगली हमने केक लिया है। और तुम लोग लेट आए, शॉपिंग नहीं करने गए थे? हां नहीं बोला ना, शॉपिंग करने रुक गए बोले। शॉपिंग करेंगे, ये भी सही है भाई। और वेदर बहुत सही हो गया, तो अब हम निकल रहे हैं आगे। और भी लोग हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं, तो मेन क्वेश्चन था। हाँ नीरज सर का। हाँ कि ना ये जो आप सारे वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं, ये हम कहाँ देख सकते हैं? अभी मैं कंपाइल करके सब यूट्यूब पर डालूंगा। यूट्यूब पर चलोगे? आपका चैनल है? अभी बनाने का ही सोच रहा हूँ, मतलब ये पहला ब्लॉग होगा। तैयार हो रहा है? ओके ओके। तो अभी मतलब एक कोर्स भी क्रिएट कर रहा हूँ मैं। अच्छा। वर्डप्रेस विद डीवी। हाँ okay. वो 25-30% हो चुका है। ओके। तो आई एम थिंकिंग कि मैं सारी वीडियो मतलब पहले क्रिएट कर लेता हूँ, या ये भी प्लान है कि 30% तक होने के बाद मैं शुरू की वीडियोस लॉन्च कर दूंगा। हाँ। तो काइंड ऑफ प्लेलिस्ट होगी, तो लोगों को फिर ना ऐसे वेट नहीं करा सकते कि यार एक मॉड्यूल पढ़ लिया दूसरा आगे पढ़ेंगे। फ्री कोर्स होगा वो? हाँ फ्री कोर्स होगा अगर यूट्यूब पे। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे थे रोशन भाई का, वो लोग आ जाए फिर हम निकले। तो वो लोग आ चुके हैं और प्लान भी सारा एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। तो अभी सब लोग चल रहे हैं और सब लोग निकल गए भाई अपना हाइकिंग करने के लिए। मैं जीन्स क्यों पहन के आया हूँ मैं पता नहीं चल रहा, लेकिन मतलब ऐसा हाइकिंग नहीं है कोई हार्ड एंड टफ वाला, जस्ट नॉर्मली वॉकिंग करना। और ये बहुत लूज है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम एक्साइटेड फॉर द व्यू कि कैसा होने वाला है। रात में यही सोच रहा था कि हम लोग नहीं जा रहे हैं शिव टेम्पल, और वो शायद भोलेनाथ की मर्जी नहीं थी, लेकिन थी। अभी तो जा रहे हैं हम लोग उधर। सो सी यू लेटर। तो कर चुके हमने अपनी बोटिंग शुरू। ओ ये भी कर सकते थे क्या? बहुत सही। तो लोग ये भी करते, ये पैडल बोर्ड लिया। सुनील भाई की एक्सरसाइज चालू है, लाइफ जैकेट बचा सकती है। तो ठंड से मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट डूब के नहीं मरेंगे। बाकी चलो यहाँ पे शुरू कर चुके। यो 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 आप फोटो लो ना, उधर से डर लग रहा है गिरने से पानी। अच्छा व्यू आ रहा है। बनारस में भी काफी सही व्यू आता है वोटिंग करते हुए, मतलब घाट वाट पूरा। अभी जा रहे हम ताल बराई मंदिर, ये हमने पहले दिन स्किप कर दिया था। डेस्टिनी देखो, डेस्टिनी हमने जानबूझ के स्किप किया था और आज जाने को मौका मिल गया। क्या तो रात में इनसे क्या कह रहा था पता है? मतलब भोलेनाथ बुलाना नहीं चाह रहे हैं हमें, इसलिए चलो कोई बात नहीं हाइकिंग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कैंप चले जाएंगे। फिर सच में लिटरली मन नहीं था उसके वहां जाने का। ओ ऐसा कुछ नहीं है? हां तेरी दिख रही थी मुझे, कैसे कर इसी ने जिंक्स कर दिया पूरा। नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया। बोल रहा है भाई कि हम आधे में वापस आ जाएंगे। मैंने ये कहा था कि अगर मान लो थोड़ा ही बजे तक हम नीचे वापस आ गए तो अपन चल लेंगे वहाँ बुक करके। तो सो आई गेट द बैडली और बाकी तो पहुँचने वाला है अपने। तो हमको जाना है, ऐसे देखेगा नहीं अभी, बट पहुँच रहे वरुण दुबे। ओके सो हमारी वॉकिंग शुरू हो चुकी है। सीढ़ियाँ भाई चल रहे हैं।
सभी लोगों से आपको रूबरू, हम 8 लोग हैं और सुनील भैया शायद सबसे पीछे होंगे, मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ। कुछ बहुत सही भी है, काफ़ी सही। हमारे मकर संक्रांति भूल सही है तो हमारे बिजी इंसान बर्थडे बॉय वो अपना कॉल्स ले रहे हैं, उनका बर्थडे आज, तुम पीछे रहो बस। और आज तो मकर संक्रांति सही है, घर पे पूजा वूजा होगी, खिचड़ी। आज 14 तारीख आज है ना, ओके यहाँ पे कल है, फाइनल स्पॉट पे जाके लेंगे पिक्चर, छोड़ देंगे हम आपको। मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, हार नहीं मानूंगा, राग नहीं मानूंगा। आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स अर्लियर एंड आई एम लाइक अब काफी हो गया, जस्ट एंजॉय विद योर आईज। नहीं जो लड़ा नहीं, फादर इज द लैंड, ऐसा कुछ है ना उसका टैगलाइन, कभी जो हारा नहीं होता लगता है, एक भी पिक्चर नहीं है। I was expecting कि रोड होगा, लेकिन यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे जल्दी थकते हैं हम लोग। रोड पे तो ऐसे चला जा सकता है, रोड वाली साइड से बहुत लंबा रास्ता था। तो वन हाइक इज इन शिवपुरी, ओके, शिवपुरी इज इन नेक्स्ट टू काठमांडू, इट्स अ नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड बाय द आर्मी, इट्स अ ह्यूज लाइक इट्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क्स इन नेपाल। ये बिल्ली मिली है मेरे रास्ते में, एंड देयर इज अ डॉग एज वेल, हाय क्यूटी, मियाओ मियाओ, हाय। बिल्लियाँ काटती तो नहीं ना, मुझे एक्सपीरियंस नहीं। लोग पीछे भी हैं, कुछ आगे भी हैं, मैं बीच में हूँ, सही। लोग काफ़ी सही जा रहा था, आई थिंक मैं मेरे को उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, थोड़ी सी बातचीत करते हुए चलूँगा तो शायद जल्दी मेरे को मेरा सफ़र फील नहीं होगा और मैं भाग भाग के पास पहुँच गया हूँ। यस, पास में पहुँच गए, व्यू अपना एक नंबर, किसी ने सही कहा है रास्तों का मजा ही कुछ और है, और साथ में लोग हों, आपको एनर्जी दे दी गाइस, एवरीवन स्माइल एंड लेट्स अगेन। सारे लोग फिर से चल चुके हैं, सबकी एक एक लेयर डाउन हो चुकी है क्योंकि उतना आई थिंक इस चश्मे ने अपना काम कर दिया, उसको हटा देते हैं, एनर्जी तो दे ही दी लोगों को। तो काफ़ी ऊपर है, कुछ नहीं पता भाई कौन कहाँ है, क्या है कुछ नहीं पता, बस चले जा रहे हैं, आई थिंक ड्राइव कर देना चाहिए। ठीक है चलो, कुछ नया भी हो जाएगा। ओके, आई विल पुट ऑफ माय शर्ट और ये जस्ट जी स्टार डेस्टिनेशन फाइनली, इट्स बीन 25 plus 20, it's been 40 minutes since we are walking
It's a peace pagoda, stupa. It's a very famous point here after Pamdikot Lordship Temple. तो यहीं पे बाकी सारे लोग, वो हमारा कछुआ पीछे आ रहे हैं. ये है कछुआ, ये है हमारे कछुआ. मेरी ट्रैकिंग का एक ही मकसद है, उस कछुए को हराना. तो इट वॉज अ मोटिवेशन फॉर मी कि मैं जल्दी जल्दी चलूँ. तो काफ़ी सारा तो कॉमर्शलाइज्ड हर जगह, होटल्स, कैफेज, हर जगह मिलेंगे. खाना सबको ही खाना है और पैसे सबको कमाने हैं, और यहाँ पे कॉस्टली भी बहुत होगा, आई एम डैम श्योर. तो देखते हैं. सो जनरली यहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं बहुत शांति से बात करूँगा आपसे. क्या हो सकता है बाद में वॉइस ओवर डाल दूँ. हम लोग अपना मेन वर्ड पीस पकौड़ा आ चुके हैं. हमारे साथी लोग थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हैं, बट भाई मैं अगर साल भर मेडिटेशन नहीं करता, यहाँ के दो मिनट मेडिटेशन करूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. इसलिए जस्ट मैं इन पहाड़ों को ही निहार रहा हूँ तब से. हमें नेक्स्ट उधर जाना है, शिव टेम्पल. देख सकते हो और कितना जोर है. क्या S22 बन गया क्या मेरा फ़ोन? तो नेक्स्ट अभी वहीं तो वॉक करके जाना है. आई एम थिंकिंग कि यहाँ से एक ऐसे वीडियो बना लेते हैं ऐसे करके, सो डैट एक रील निकालनी है दोस्तों, रील. उधर अभी यहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा है, तो वो देख रहा हूँ पूरे हिमालयन रेंज पूरी दिखती है, लोग ऐसा बोल रहे थे. बट अभी फॉग है तो थोड़ा सा वेदर उतना क्लियर नहीं है, इतना सही दिखता नहीं है.